दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के विरोध और समर्थन के बीच पूर्वी दिल्ली के हालात पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। पूर्वी दिल्ली के लोगों की मांग है कि इस इलाके की हालत को देखते हुए यहां के लिए अलग से एक मिनी मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए। लोगों का कहना है कि आज भी पूर्वी दिल्ली के लोगों को दिल्ली के बाकी इलाकों जैसी सुविधाओं का इंतजार है। यहाँ वर्ल्ड क्लास तो छोड़िए, अच्छी सुविधाएं भी नहीं हैं। इसी वजह से पूर्वी दिल्ली के लोगों को नई दिल्ली और साउथ दिल्ली का मुंह देखना पड़ता है। इस दिल्ली एरिया में एक भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं है। इसी तरह सुविधाओं के नाम पर भी पूर्वी दिल्ली में सन्नाटा है। इस इलाके में भरमार है तो समस्याओं की। दरअसल पूर्वी दिल्ली के इलाके पर देश आज़ाद होने के बाद से ही नहीं बल्कि मुगल काल और अंग्रेजी शासन के दौरान भी ध्यान नहीं दिया गया। पूर्वी दिल्ली इलाका यमुना नदी की वजह से मेन दिल्ली से कटा रहा है। नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के लोग इस इलाके को जमुना पार यानी यमुना पार का इलाका भी कहते हैं। पूर्वी दिल्ली के इलाके को बाकी दिल्ली के लोग तुच्छ नज़रों से देखते हैं। कई जगह तो यहाँ के लोगों को पिछड़ा, गरीब और असभ्य भी समझा जाता है। यमुना नदी की वजह से इतिहास में किसी भी शासक ने पूर्वी दिल्ली के किसी भी एरिया को अपनी राजधानी बनाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसी तरह अंग्रेज़ों ने भी पूर्वी दिल्ली से दूरी बनाए रखी। अंग्रेजी राज में पूर्वी दिल्ली में एक भी सरकारी बिल्डिंग नहीं बनाई गई, इसीलिए यहाँ एक भी हेरिटेज बिल्डिंग नहीं है। पूर्वी दिल्ली में केंद्र और दिल्ली सरकार की भी कोई मशहूर इमारत नहीं है। पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि यहाँ अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स और पार्क नहीं होने के कारण उन्हें घूमने फिरने के लिए नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली जाना पड़ता है। इससे लोगों का काफ़ी समय खराब होता है। लोगों की मांग है कि सरकार को पूर्वी दिल्ली में विदेशों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि पूर्वी दिल्ली में मौजूद समस्याओं का प्रायोरिटी के आधार पर समाधान करने और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यहाँ का एक अलग मिनी मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पूर्वी दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जिनका नाम पूर्वी दिल्ली की खासियत के तौर पर लिया जा सकता है। इनमें से एक है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली में मेट्रो रेल चलने की शुरुआत पूर्वी दिल्ली के शाहदरा से 30,000 के बीच हुई थी। इसके अलावा यहाँ दुनिया की मशहूर गांधीनगर मार्केट है। दिल्ली सरकार ने कुछ साल पहले पूर्वी दिल्ली को नई दिल्ली से जोड़ने के लिए यमुना नदी पर एक सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण भी कराया है। इसके अलावा अक्षरधाम मंदिर और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज भी यहाँ बनाए गए हैं। लेकिन ये निर्माण ऐसे नहीं हैं जिससे पूर्वी दिल्ली का पूरा इलाका चमक गया हो। यहाँ सुविधाओं की कमी और गरीब इलाकों की भरमार है जिसकी वजह से इसे एक पिछड़ा इलाका माना जाता है।